इसमें आप गाय लाए हैं तो क्या क्या आपके पास, कौन सी? मेरे पास 5 वैरायटी का। ऐसा कौन सा ब्रीड का गाय है जो कि किसान भाई पाले तो उनको अच्छा लगेगा और वो मुनाफा कमाए? कितना लीटर दूध उसका? दूध तो उसका 15-16 लीटर है जी। और इसमें 28 लीटर का भी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीला चंपारण में। अभी मैं पहुंच चुका हूं विश्व प्रसिद्ध एशियाई मेला, जो पशु मेला के नाम से जाना जाता है, सोनपुर हरियर क्षेत्र के नाम से भी यहां पर इस मेला को जाना जाता है। अभी मैं पहुंच चुका हूं गाय बाजार में। जैसे कि देख सकते हैं यहां पर काफ़ी संख्या में गाय दिख रही है, और ये गाय की क्या वैरायटी है और ये कितने दूध देती है गाय, इनके बारे में जानेंगे इनके जो मालिक हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राहक लोग खरीदने आए हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अभी तक गाय खरीदते हैं कि सिर्फ मेला घूमने के लिए आए हैं, कि या उनके मेला घूमने का उद्देश्य है। बाजार में आए तो क्या गाय आपको अच्छा लगी? हाँ, अच्छा लगी। क्या खरीदने के पर्पज से आए हैं? हाँ, खरीदने के पर्पज से। कैसा लग रहा है आप मेला में आए हैं, वो भी गाय बाजार में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना बजट में आप गाय को लेना चाहते हैं? बजट जिस हिसाब से गाय हो उस हिसाब से लग, क्वालिटी के हिसाब से लिया जाएगा। बहुत उधर देखिए, यहाँ पर गाय मालिक हैं, उनसे बात करते हैं कि आज ये मेला में आए हैं, कैसा इनका अनुभव है और क्या क्या मतलब गाय की वैरायटी लाए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी। आप बताएं कि सोनपुर मेला में आए हैं, वो भी विश्व प्रसिद्ध एशियाई मेला है, इसमें आप गाय लाए हैं तो क्या क्या आपके पास, कौन सी? मेरे पास 5 वैरायटी का है जी। जी, फर्स्ट में एक गिर है जी, एक दोगली है जी, 3 आपका जर्सी है जी, 2 फ्रीजियन है जी, और 1 सहीवाल है। आपने इतने सारे गायों के नस्ल के नाम बताएं, इसमें सबसे अच्छा कौन सा ब्रीड का गाय है जो कि किसान भाई पाले तो उनको अच्छा लगेगा और वो मुनाफा कमाएंगे? अभी तो इसमें गिर सबसे अच्छा है, दाम भी उसका ज़्यादा है जी, दाम उसका 95,000 मांगते हैं। 95,000 जी। और कितना लीटर दूध उसका? दूध तो उसका 15-16 लीटर है जी। जी, और इसमें 28 लीटर का भी है जी। 28 का सहीवाल हुआ। सबसे महंगा बताएं कि कौन सा गाय है? इधर आइए, थोड़ा बात किया जाए। इसमें बताएं कि कौन सा मतलब सबसे महंगा गाय है? सबसे महंगा वो गाय है उधर वाली जी। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सबसे महंगा गाय है और वो भी मेला में सबसे ज्यादा महंगा गाय आपके पास ही है? यही सहीवाल है, सबसे महंगा गाय जी। कितना इसका दाम होगा? इसका 95। 95,000 अच्छा बच्चा है, 15 लीटर दूध है दोनों में। ऐसे गांव में देखा जाता है किसान भाई गाय पालते हैं लेकिन उनको मुनाफा नहीं हो पाता है, आखिर क्या कारण है कि मुनाफा कैसे वंचित रह जाते हैं? दूध का रेट कम थी है देहात में, 30 रुपये लीटर अभी है जी। कम से कम 50 रुपये लीटर देहात में होना चाहिए, शहर में 60 रुपये होना चाहिए जी, तब मुनाफा होगा। कहीं नहीं मुनाफा, बिल्कुल मुनाफा होगा। दाम का दूध का रेट बढ़ेगा तो, दूध का रेट बढ़ेगा तो 30 रुपये लीटर क्या है बोलिए? पानी 20 रुपये लीटर बिक रहा है, 20 रुपये लीटर पानी आराम से लोग ले रहा है जी जी, लेकिन 30 रुपये लीटर दूध नहीं ले रहा है, क्या पानी डाला हुआ है? सच में लोगों को देखिए, लोग भी सोचना है कि आखिर आपके लिए शुद्ध मतलब दूध निकाल रहे हैं वो भी गाय से, और 30 रुपया कोई एक साधारण आदमी भी इस तरह कुछ 20 रुपये लीटर पानी पी रहा है जी। देखिए, पानी 20 रुपया लीटर पी रहा है, वो भी यात्रा करते हैं ट्रेन के समय। आप इसमें बताएं कि कौन से किसान भाई लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, कौन सा गाय? देखिए, इसमें दोगली, जर्सी, फ्रीजियन और सहीवाल, गिर सब मेरे पास, सब नस्ल का है, वो च्वाइस अपना जैसा च्वाइस किसान भाई का, किसान भाई का जो च्वाइस, किसी को गिर पसंद आया, किसी को दोगली आया, किसी को जर्सी आया, किसी को सहीवाल आया, यही सब। आप मेला में कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो बहुत पुराना, बहुत बचपन से ही आ रहे हैं गोरू लेके, अपने पापा जी के साथ आ रहे हैं जी 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 जी। कैसा अनुभव है मेला को लेकर? देखिए, अनुभव तो बहुत बढ़िया है, मेला था पहले, लेकिन अभी मेला खराब हो गया। क्या कारण है इसे खराब? क्या कारण हो गया? लोग दुधारू जानवर अब गिर नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है जी जी। वो जो अब आसाम चालू था, पंजाब चालू था, उस समय बहुत जानवर बिक रहा था, बहुत जानवर। एक अपना परिचय बता दीजिए कि जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं किसान भाई, वो गाय लेना चाहते हैं जैसे मेला खत्म हो जाए तो आखिर कहाँ से लेंगे आपके पास? घर से सालों गाय मिलता है घर पे जी, 365 दिन। थोड़ा बता दीजिए, घर हुआ परवेजा जी, ठीक है। मेरा नाम दिनेश राय जी, पिता स्वर्गीय मोहन राय जी, घर हुआ परवेजा, थाना हुआ सोनपुर, जिला हुआ छपरा जी, सारण के रहने वाला हूँ जी। यही सोनपुर जिले के ही मतलब नंबर अपना बता दीजिए, 70-33-10-37-74 जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए दोस्तों, गाय बाज़ार में हमने आया और गाय की वैरायटी को जाना। मुझे जानकारी नहीं है क्या क्या इसमें वैरायटी है, लेकिन ये हमारे बाबा जी के उम्र के हैं व्यक्ति, वो बताने का प्रयास किए पूर्ण रूप से। और देखिए, आपको गाय लेना है तो आप यहाँ पर आइए सोनपुर मेला में, और यहाँ से गाय आप खरीद के ले जाइए और मालामाल हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नीला चंपारण। जय हिंद, जय चंपारण, जय सोनपुर मेला।